आज हम छठी कक्षा का संस्कृत विषय का सातवां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकार, बुगले का बदला। पाठ एक कहानी है, आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन वने श्रृंगाल बक च निवसत स्मे। एक वन में एक श्रृंगाल और एक बुगला निवास करते थे। श्रृंगाल मतलब सिया गीदड़। तयो मित्रता आसित, उन दोनों में वो दोनों मित्र थे। एकदा प्राते श्रृंगाल बकम अवदत, एक बार सुबह श्रृंगाल ने बुगले से कहा, मित्र श्वे त्वम मया सह भोजनम करो। श्वे मतलब आने वाला कल, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृंगालस्य निमंत्रणेन बक प्रसन्न अभवत। श्रृंगाल का निमंत्रण सुनकर जो बुगला था वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने से भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए श्रृंगाल के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले उस श्रृंगाल ने थाली में बुगले के लिए शिरोदनम मतलब कि खीर को अयच्छत दिया। बकम अवदत च, और बुगले से बोला, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहेव खादाओ, कि इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। एक पात्र थाली वाला पात्र और शियार और बुगला दोनों उसमें खाने के लिए बैठते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काल में मतलब भोजन करते समय जो बुगले की चोच थी वो थाली से, स्थालित का अर्थ होगा थाली, थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ थी। अते बक केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बक मतलब बुगला केवल खीर को देखता ही रहा। श्रृंगाल तो सर्वम शिरोदनम अभक्षत, और जो श्रृंगाल था उसने तो वह सारी खीर खा ली। श्रृंगालेन वंचित बक अचिंत्यत, श्रृंगाल से ठगा गया, वंचित का अर्थ होगा ठगा गया। वह बुगला सोचने लगा, यथा अनेन मया से व्यवहार कृत तथा अहम अपि तेन सह भविष्य व्यवहारिष्यामि, कि यथा मतलब जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा से श्रृंगालम अवदत, ऐसा सोचकर वह उस श्रृंगाल से बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि तुम भी कल शाम को, सायं का अर्थ होगा शाम को, मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगाल प्रसन्न भवत, बुगले का निमंत्रण सुनकर जो श्रृंगाल था वह बहुत ही खुश हुआ। यदा श्रृंगाल सायं बकस्य निवासम भोजना अगच्छत, कि जब श्रृंगाल शाम के समय बुगले के निवास स्थान पर भोजन के लिए जाता है, तदा बक संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम अयच्छत, तब बुगला एक संकीर्ण मुख वाले, एक छोटे मुंह वाले कलश में खीर को देता है। चित्र में देखिए कि एक संकीर्ण मुख वाला एक जो मटका है, एक कलश है, उसमें बुगला खीर को डालता है। श्रृंगालम च अवदत, और श्रृंगाल से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहेव भोजनम कुर्व, कि हे मित्र अब हम साथ ही इस पात्र से भोजन को करते हैं। बक कलशात संचवा शिरोदनम अखादत, बुगला कलश से अपनी चोच से खीर को खा लेता है, खाता है। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे ने प्राविशत, परंतु श्रृंगाल का जो मुख है वो उस कलश में प्रवेश नहीं करता है। अते बक सर्वम शिरोदनम अखादत, इसलिए बुगला सारी खीर को खा जाता है। श्रृंगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, श्रृंगाल तो केवल ईर्ष्या से ही देखता रहता है। श्रृंगाले बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अक्रोत, श्रृंगाल ने बुगले के प्रति जैसा व्यवहार किया बक अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अक्रोत, बुगले ने भी श्रृंगाल के प्रति वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला लिया। प्रतिकार का अर्थ होगा यहाँ पर बदला। उक्तम अपि, इसलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, तस्माद सद्व्यवहार वर्वर्तव्यम मानवेन सुखेरशीना, कि आत्म मतलब स्वयं के द्वारा
खुद के द्वारा जो व्यवहार किया गया है उसका, जो दुर्व्यवहार किया गया है उसका जो फल होता है वो दुग्धमी होता है, वो अच्छा नहीं होता है। तस्माद् सद्व्यवहारस्य तव्यं मानवेन सुखैर्षीणा, इसीलिए सुख चाहने वालों को, सुखैर्षीणा का अर्थ होगा सुख चाहने वालों के द्वारा अच्छा व्यवहार ही मानवों के साथ किया जाना चाहिए, कि जो जैसा करेगा व्यवहार करता है उसको वैसा ही व्यवहार का फल मिलता है। अतः सभी के साथ अच्छा व्यवहार सद्व्यवहार कीजिए।